सिर्फ जो पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद पुनिया साहब जो आज वही मंच पर आए, सभी मेरी गुजारिश है। पुनिया जी बताए कुछ बाबा साहब के जो श्रद्धांजलि है मनाई जा रही है, पूरे भारत में पूरा विश्व मना रहा है, उनको नमन कर रहा है, क्या कहेंगे? अक्सर लोग कह देते हैं कि दलित थे, दलित परिवार में पैदा हुए, लेकिन वो पूरे विश्व के लिए हिंदुस्तान में और ये पाया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहा जाए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। हिंदुस्तान में अगर सबसे योग्य एक नेतृत्व देने वाले और यहां तक कि हिंदुस्तान में नए राज्य अगर बने, लेकिन देश का उत्थान नहीं हो रहा है, क्या करेंगे? बाबा साहब का संविधान भी लागू, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान खराब नहीं हो सकता, संविधान को लागू करने वाले खराब, कहीं ना कहीं आप अपनी सरकार को ही विवाद के घेरे में डाल रहे हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की ही सरकार भारत में है। और सभी मैंने कहा कि बाबा साहब देश के अंदर जो दलित और शोषित समाज है उसकी दशा और दिशा को बदलने के लिए समता आवाज टीवी चैनल देख रहे हैं लाखों दरबारों का काम समाज से भी शिक्षित बनाओ संगठित हो संघर्ष करो, वो अपने गोल मंत्र आज भी हेलो उसके अलावा मैं उसके अलावा